राजधानी दिल्ली के निर्भया गैंगरेप मामले में दोषी अक्षय सिंह की सजाए मौत बरकरार है। आज सुप्रीम कोर्ट ने अक्षय के वकील एसपी सिंह की ओर से तमाम दलील सुनने के बाद अक्षय की पुनर्याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले अक्षय के वकील ने कहा था कि अक्षय को मौत की सजा ना दी जाए, यह मानवाधिकार के खिलाफ है। अक्षय की याचिका पे जस्टिस आर भानुमति, अशोक भूषण और ए एस बोपन्ना की बेंच ने सुनवाई की थी। जस्टिस भानुमति ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने मुकदमे पर ही सवाल उठाए हैं, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। जांच में कमी की बात पर ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर चुका है। रिव्यू में उन्हीं बातों की नई सिरे से सुनवाई नहीं हो सकती। दोषी यह बातें पहले भी कह चुका है, इसलिए हम ये पुनर्विचार याचिका खारिज करते हैं। बड़ी बात यह है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट इस मामले में तीन दोषियों की पुनर्याचिका खारिज कर चुकी है। तब अक्षय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर नहीं की थी। तीन दोषियों की दया याचिका खारिज करने वाली बेंच में भी जस्टिस आर भानुमति, अशोक भूषण और ए एस बोपन्ना भी शामिल थे। बता दें कि वारदात को अंजाम देने वाले छह लोगों में से राम सिंह की जेल में मौत हो गई थी। एक नाबालिग दोषी बाल सुधार गृह में 3 साल बिताकर रिहा हो गया। ऐसे में निचली अदालत और हाई कोर्ट में 4 लोगों पर मुकदमा चला। दोनों अदालतों ने 4 को फांसी की सजा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे बरकरार रखा था। 5 मई 2017 को दिए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये घटना इस दुनिया की लगती ही नहीं, ये ऐसी दुनिया की घटना है जहां इंसानियत मर चुकी हो। दोषियों की नजर में पीड़िता इंसान नहीं, सिर्फ एक मजे का सामान थी। 16 दिसंबर 2012 की रात दक्षिण दिल्ली में एक चलते बस में 6 लोगों ने निर्भया के साथ मिलकर दुष्कर्म किया था। सामूहिक दुष्कर्म इतना विभत्य था कि इससे देश भर में आक्रोश पैदा हो गया था और सरकार ने दुष्कर्म संबंधी कानून और सख्त कर दिए थे। 6 दुष्कर्म दोषियों में से एक नाबालिग था। मैं सभी मैरिट्स थी, लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा है जनता के दबाव के आगे सारी मेरिट्स खत्म हो जाती हैं। जनता के दबाव में, जनता के दबाव, पब्लिक प्रेशर, पब्लिक, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कल केस को ट्रांसफर किया, दूसरी कोर्ट में लगाया। उन्होंने कहा था, उन्होंने जोधपुर के कार्यक्रम में भी कहा था मुख्य न्यायाधीश ने, कई बार तथ्य और सबूत सब अच्छे होते हैं। फांसी का जो नोटिस जारी किया दिल्ली सरकार ने अपनी राजनीति के लिए किया, क्योंकि और भी केस दिल्ली में ऐसे फांसी के लिए, सुनिए, फांसी के लिए और केस पड़े हुए हैं जिनकी रिव्यू भी डिसमिस हो चुकी है, क्यूरेटिव भी डिसमिस हो चुकी है, राष्ट्रपति की दया याचिका भी डिसमिस हो चुकी है। उनके केसों की फांसी की बात, उनके केस के लिए फांसी उसको सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उनका सुना, इसके बाद फैसला दिया। देखिए अब उसका टाइम उन्होंने गवा दिया है, 1 साल पूरा बैठ के, क्योंकि 18 महीने रिव्यू तीनों की खारिज हुए हो गई, इनके पास 18 महीने टाइम था रिव्यू करने का, क्यूरी करने का, इन्होंने नहीं किया। जेल में 7 दिन का डेट अरे नोटिस किया था कि इसमें 7 दिन केयरधन सब मर्सी पटिशन जिसको करना है कर लो, इन लोगों ने नहीं किया, तो ऑलरेडी इन्होंने टाइम खत्म कर दिया है और उम्मीद है कि अब इसी पे इन लोगों का डेट अरे। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden, a JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।